नया सीखना है कुछ? Yes. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Okay. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? हमारी दीवार को ढकेलना है, आज जरा इसको ढकेलना है। पीछे को भाई, आज दो चार सौ लगा दो, पीछे को ढको, पीछे को ढको, ढकेलना है जरा इसको, पीछे को ढको जरा, ढको दीवार ढको। देखो एक्चुअली ट्रेनिंग का ये फायदा होता है, मैंने टॉपिक चेंज करके तो उसमें मैंने चेंज वन और चेंज टू लिखा। ये एक्टिविटी मेरा था, मैं भूल ही गया था, काफी याद है कि वो चेंज टू है ना, वही एक्टिविटी। मतलब ये ट्रेनिंग का फायदा होता है, हमने कभी कराया, कभी कभी हम लोग शॉर्टकट लिखे ना स्लाइड में, बाद में आपको याद नहीं आता था ये चेंज टू लिखा क्या है मैंने। लाइफ में हम लोग सभी लोग चाहते हैं तरक्की करना, कितना लोग चाहते तरक्की करना? ओके, आप तो नहीं चाहते, आप नहीं चाहते हो, फिर आप नहीं चाहते हो तरक्की करने के लिए, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि आप लोग चेंज नहीं चाहते, आप लोग बदलाव नहीं चाहते हो, या आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे। अगर हमने बोला उसको 6 बजे आना है तो आना है, अगर आप जिंदा हो तो आना है, अगर मर गए हो तो नहीं आना है। वैसे ही मर गए हो तो जिंदा हो, सब लोग जिंदा है, निकालो जब तो चिमटी निकालो, निकालो जब जोर निकालो चिमटी का, है ना जिंदा हो अच्छा। अभी सेल्समैन
हमारा बिजनेस प्रमोट करते हैं, हमारा बिजनेस बताते हैं, तो जो खुद का बिजनेस नहीं बता सकता है, जो प्रमोट नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता है, तो बिजनेस कैसे करेगा? तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, खुद के बारे में मालूम होना जरूरी है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सेल्स है, तो मैं हमेशा सेल्स के बारे में ध्यान रखता हूँ। कोई भी अगर मेरे को एक्टिव टाइम में एडमिशन लाने, पार्टिसिपेट लाने, तब मैं फोकस करता हूँ। मुझे रिसोर्ट के ऊपर ज़्यादा क्राउड लाना है, रिसोर्ट में बुकिंग बढ़ाना है, तो मैं सेल्स पर फोकस करता हूँ। तो कई बार डायरेक्ट सेल, कई बार इनडायरेक्ट, मतलब लोगों के माध्यम से लोगों से रिलेशन बना कर करवाता हूँ। तो सेल्स से क्या मिलता है? आपको कैश मिलता है, आपको रोकड़ा मिलता है, पैसा मिलता है। और कैश चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे के कैश के लिए काम करना पड़ेगा। नीचे का कैश मतलब क्या होता है? नीचे का कैश मतलब ए फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल्स और एच फॉर हैबिट। इस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर ये चारों में से कोई भी अगर आपके पास कमी है, आपके पास नॉलेज की कमी है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, स्किल आपके पास है, हैबिट अच्छी है, लेकिन नॉलेज कम है, आप फेल हो जाओगे। नॉलेज बढ़िया है, स्किल्स भी है, हैबिट भी है, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत गलत है, आप में बहुत घमंड है, आप लोगों से बर्ताव अच्छा नहीं करते हैं, आप बहुत गुस्सा करते हो, लोगों का अपमान करते हो, आप नकारात्मक ज्यादा सोचते हो, आप लोगों के बारे में अलग क्यों बनाते हो, गलत क्यों बनाते हो, तो आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। आपका स्वभाव, जितने नम्र आप होंगे, जितने अच्छे आपका स्वभाव रहेगा, उतने ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, उतना ज्यादा आपसे लोग प्रभावित होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आपका एटीट्यूड बहुत जरूरी है। बाद में स्किल्स हम देखते हैं, हैबिट भी हमारे पास, हमारे अच्छी आदतें होती है। अगर बुरी आदतें हैं भी, उसको छुपाओ, निकालो। बुरी आदतें खाने की मतलब कि उसको छुपाना जरूरी है, उसको कम करना जरूरी है। तो अगर आपको ये कैश चाहिए तो आपको ये नीचे कैश पर काम करना पड़ेगा। बस तो ये वाक्य लिहिले मत आवडीचं वाक्य आहे। तुम्हाला श्रीमंत व्हायचं असेल तर पैसा कमवणे, टिकवणे आणि गुंतवणे या गोष्टीकडे लक्ष द्या। अगर आप पैसा चाहते हो, सिर्फ पैसा कमाने से पैसा नहीं मिलेगा, पैसा को टिका के भी रखना पड़ेगा, पैसा को सब सही जगह पर आपको रखना भी पड़ेगा। उसके साथ साथ पैसे को इन्वेस्ट करो, जैसे मैंने कहा कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने नॉलेज वाले में इन्वेस्ट करो। तो इस प्रकार से अगर पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे तो ये मिलेगा। तो मैं ये तीनों चीजें मैं करता हूँ। तो पैसे कमा के भी कमाए जाते हैं और कम खर्चे करके भी पैसे कमाए जाते हैं, या जो पैसे है उसको टिका के पैसे कमाए जाते हैं। पैसा को अलग तरीके से अगर काम पे लगा दो, जिसे हम पैसे की कम कहते हैं, तो पैसे से काम करवाना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया वैसे मार्केटिंग भी है, मार्केटिंग